हाय किड्स, हाय सर। आज हम पढ़ने वाले रैबिट्स इन क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया। अर्लियर देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। पहले जमाने में क्या होता था कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी रैबिट्स नहीं होते थे। रैबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। तो 1780 में क्या हो गया, कहीं दूसरी जगह से ऑस्ट्रेलिया में क्या लाए गए, रैबिट्स। एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच आर रैबिट्स। So the rabbits began to multiply at very fast rate, imagine what they did to the crops। अब वो बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर जो rabbits की जो संख्या थी वो बहुत तेज़ी से क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। तो आपको ये इमेजिन करना है कि भाई वहाँ पर उन्होंने फसलों को क्या नुकसान पहुँचाया होगा, सारी फसल खा गए होंगे। अब जितने ज़्यादा पशु होंगे तो वो उतनी ज़्यादा फसलों को क्या कर जाएंगे, तेज़ी से खा जाएंगे। जैसे कि अगर आपके खेत में अगर एक हाथी आ गया तो एक हाथी थोड़ी सी फसल खाएगा, लेकिन अगर 10 हाथी आ गए तो पूरा ही खेत साफ कर देंगे। अब देखो अब हुआ क्या वहाँ पर, जब स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग कौन से साल में लाए गए थे वो, 1780। ठीक है, तो 1780 में कितने थे वहाँ पे, 10। फर्स्ट ईयर में कितने आए, 18। सेकंड ईयर में कितने हो गए, 32। थर्ड ईयर में कितने हो गए, 58। फोर्थ ईयर में कितने हो गए, 60। देखो यहाँ पर आपको पैटर्न चेक करना पड़ेगा कि कौन से पैटर्न में ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं, ये हमेशा बढ़े ही हैं ना हर साल में। अब देखो 10 को हमने किससे गुणा किया, 2 से, कितने हो गए, 20। अब 20 में से कितना घटाएं, 18 आ जाए, 2। फिर इसको भी 2 से गुणा कर लेते हैं, 18 दुने 36। 36 में से कितना घटा जाए कि 32 आ जाए, 4। फिर 2 से गुणा कर लेते हैं, 32 दुने 32 64। 64 में कितना घटाएं कि 58 आ जाए, 6। 58 को फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर माइनस, अब कितना आना चाहिए, पैटर्न बन रहा है ये, यस सर। कितना आएगा, 2 का टेबल आएगा जी, 8। फिर इसको 2, फिर यहाँ पे 10। तो यहाँ पर अब कितना आएगा, 216। फिर गुणा 2 माइनस कितना, 12। अब 206 को 2 से गुणा करो, सर 400। 412 में 12 गया 400। देखो तो छठवें साल में कितने रैबिट्स हो गए, 400। जबकि जो जीरोवें साल में थे, मतलब 1780 में कितने थे, 10। और 70 यहाँ पर हो गया 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, मतलब 1786 में कितने हो गए वहाँ, 400 रैबिट्स हो गए। अब ऐसे ही बढ़ते रहे। अब देखो आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज, वो बोल रहे हैं कि हर साल जो नंबर ऑफ रैबिट्स थे, अब यहाँ पर 4 आंसर्स दिए हुए हैं, 4 आंसर्स में से एक क्या है, सही है। अब वो बोल रहे हैं लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ द रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, वो बोल रहे हैं कि पिछले साल में जितने थे उनके दुगने से कुछ कम, या ठीक दुगने, या जो पहले साल में थे उससे 8 ज्यादा, या जो उसका डबल है उससे कुछ ज्यादा। तो कौन सा वाला है, सब पहला, पहला वाला, अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ द रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, डबल हुए और थोड़े से क्या हो गए, कम हो गए। एट द एंड ऑफ द ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज क्लोज टू, कितने थे, 600। छठवें साल में कितने थे वहां रैबिट्स, 400। आफ्टर व्हिच ईयर डिड द नंबर ऑफ द रैबिट्स क्रॉस 1000। अब देखो यहां पर 400 हो गई है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 7th ईयर आएगा, तो 7th ईयर में कितने हो जाएंगे, 800 को 2 से, और कितना घटेगा, 14। 400 दुने 800 में 14 गया, 776 नहीं 86। 786 अब आएगा क्या, 8th ईयर। अब 8वें साल में फिर इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और कितना घटाना पड़ेगा, 16 घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब 786 से अगर 2 को गुणा करेंगे, मतलब 700 को भी अगर 200 गुणा करेंगे तो 1400 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा नंबर है 1000 पार हो जाएगा। कौन से साल में हुई, 8th ईयर में। क्लियर है या नहीं है, समझ आ गया, यस सर। ओके।